लास्ट लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर का हमने दूसरा जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट का इंट्रोडक्शन देखा था, बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन का, ठीक है। उसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट देखे थे। पहले क्या था, एक बीकर लिया था हमने और बीकर के अंदर प्योर वाटर लिया था, ठीक है। और प्योर वाटर को हम सॉल्वेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वियस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो सॉल्वेंट क्या यूज करेंगे, वाटर। तो इसको आप प्योर सॉल्वेंट बोलो या फिर प्योर वाटर बोलो, बात क्या है, सेम, ठीक है। तो इसको हमने हिट किया था और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमने रिकॉर्ड किया। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये है कि वेपर प्रेशर, ये लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, या फिर जब ये लिक्विड वेपर स्टेट में जाएगा तो वो टेम्परेचर को हम क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। टेम्परेचर जनरली कैलकुलेट करेंगे हम, जनरली रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है। और हम बॉइलिंग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, टी बी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, टी बी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये सॉल्वेंट आपका प्योर है, दूसरी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो जैसे वेपर प्रेशर के केस में हमने पी नॉट यूज़ किया था टर्म, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किससे किया था, पी नॉट से, तो वैसे ही सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को भी हम क्या है, टी बी नॉट से क्या है, रिप्रेजेंट करें, ठीक है। दूसरे एग्जांपल के लिया था हमने कि यही वाटर लिया अगेन एज ए सॉल्वेंट, और इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने ऐड, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हमने इसके अंदर ऐड किया और वापस इसको हिट किया बॉइल करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट मेजरमेंट के लिए। लेकिन अब जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे थे दूसरी केस में, ये सॉल्यूशन के अंदर, ये क्या है अब आपका सॉल्यूशन, जिसमें वाटर है एज ए सॉल्वेंट और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। तब ये सॉल्यूशन को जब हमने हीट प्रोवाइड की तो हीट आपकी मैनिपुलेट होगी, ठीक है। यानी कि टोटल अमाउंट में जितनी हीट प्रोवाइड की वो टोटल अमाउंट में हीट आपको वो हीट एडेड हीट आपकी वाटर मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर हो रही और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को भी वो ट्रांसफर हो रही। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट भी क्या कर रहे हैं, वो हीट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो वेपराइज नहीं हो सकते, वेपर स्टेट में वो नहीं जाएंगे। सिर्फ वेपर स्टेट में कौन जाएगा, आपका वाटर जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर पे आपका सॉल्वेंट बॉइल हुआ था उससे ज़्यादा टेम्परेचर क्या है, इसको प्रोवाइड कर, उससे ज़्यादा हीट हमको प्रोवाइड करना पड़ रही सॉल्यूशन के लिए। यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू, जो बॉइलिंग पॉइंट की टेम्परेचर की वैल्यू आपको क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेंगी सॉल्यूशन के लिए, ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी बी से, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे टी बी से, और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे टी बी नॉट से, ठीक है। और हमेशा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा टी बी से, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा टी बी जीरो से। यानी कि मैथमेटिकली अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं टी बी इज ग्रेटर देन टी बी नॉट, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के अंदर आपको अगर डिफरेंस एक्सप्लेन करना है तो डिफरेंस हम एक्सप्लेन करते हैं डेल्टा के फॉर्म में। और डिफरेंस किसके अंदर देख रहे हैं, हम बॉइलिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं। तो क्या लिखूँ मैं, डेल्टा टी बी, और कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, जो बड़ी वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसमें से जिसकी वैल्यू छोटी वो माइनस करना पड़ेगा। तो बड़ी वैल्यू किसके लिए आएंगी, टी बी के लिए, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा उसमें से आपको क्या है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी जीरो, ठीक है। यहाँ तक के तो हम लास्ट लेक्चर में यहाँ तक के आए थे, ये इक्वेशन हमने देखा था
डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी जीरो, ठीक है। अब इसके आगे जाएंगे, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके समझ में आ गया। एलिवेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, और बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से बढ़ रहा, एडेड सोल्यूट की वजह से, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने की वजह से वो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें ये समझ में आया कि ये जो डेल्टा टी बी है जिसको मैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, डेल्टा टी बी को क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टी बी किसके प्रोपोर्शनल है, स्मॉल एम के, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब यहाँ पर स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता आपका मोलैलिटी को, नॉट अ मोलैलिटी, क्या है यहाँ पर मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, आज के बाद हमेशा याद रखना, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन की, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। ये स्मॉल एम के लिए फॉर्मूला है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है कि मोलैलिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैलिटी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन में पहले तो क्या है, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स सोल्यूट आपने एक पर्टिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाया, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। यानी कि आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। कौन वो सोल्यूशन की मोलैलिटी क्या है उसके ऊपर जो है वो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। जितनी मोलैलिटी ज़्यादा उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका ज्यादा होगा, ठीक है। और मोलैलिटी क्या है कि कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करने की एक टर्म है, ये टर्म का यूज करके हम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्लेन करते हैं सॉल्यूशन का। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कंपोजिशन, अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या है, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट का क्या यूज करते हैं, ठीक है। अब इक्वेशन बनाने का है ये वाली चीज पे से, तो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाना पड़ेगी और एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, अब मैं कांस्टेंट दूंगा यहाँ पर, कांस्टेंट क्या कौन सा दूंगा, के, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे रहे और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम टी बी से रिप्रेजेंट करें, यानी कि हम बी अटैच करें टी के साथ में, तो इसके कांस्टेंट के साथ में मैं बी अटैच करूँगा, कांस्टेंट क्या बनेगा आपका, के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, ये इक्वेशन आपका बनेगा। अब मैं ये इक्वेशन क्या दूंगा, इक्वेशन नंबर वन, और ये के बी क्या है आपका, ये के बी आपका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, के बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसको दूसरा नाम है मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको दूसरा नाम क्या है, मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका तीसरा नाम है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में हम ये कांस्टेंट भी यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे एक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना, के बी की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, के बी का यूनिट और डेफिनेशन भी आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो के बी की डेफिनेशन लिखने से पहले एक बात मैं बताता था, जब मोलैरिटी परफेक्ट वन रहेगी,
जब मोलैरिटी परफेक्ट वन रहेगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द के, यानी कि वो केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होगा आपका, के भी होगा। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर डेफिनेशन के फॉर्म में बुक में लिखा है कि हाँ कुछ इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन प्रोड्यूस बाय वन मोलर सॉल्यूशन, यानी कि जब मोलरिटी परफेक्ट वन होगी तो वो केस में आपका डेल्टा टी वी इज इक्वल टू क्या होगा आपका के। ठीक है, क्योंकि एम क्या है आपका वन, इंटू एम भी करेंगे तो के बी इंटू वन क्या करेंगे तो क्या मिलेगा आपको के बी मिलेगा, तो क्या मिलेगा डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी। ठीक है, जब मोलरिटी वन होगी तो वो केस में मोलरिटी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और के बी ये दोनों क्या है बराबर होंगे। ठीक है, और अब देखेंगे यूनिट कैसे कैलकुलेट, यूनिट क्या है के बी का, तो ये इक्वेशन मेरे सामने है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूँगा। ठीक है, कैसे रीअरेंज करूँगा कि अगर आपको के बी कैलकुलेट करना है, ये इक्वेशन से आपको अगर के बी कैलकुलेट करना है तो मैं के बी को इधर लेके चले जाऊँगा और के बी को बाहर निकाल लूँगा, तो क्या बनेगा आपका के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, तो ऐसे ये वाली इक्वेशन पे से अगर आपको के बी निकालना है तो इक्वेशन कैसे रीअरेंज हुआ आपका, के बी से बाहर निकाल लिया, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम। तो अब देखो डेल्टा टी बी यानी कि यहाँ पर क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन यानी कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट वो हम मेजर करते हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। ठीक है, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट को क्या है केल्विन, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम केल्विन, डेल्टा टी बी का यूनिट क्या रहेगा केल्विन। ठीक है, और मोलैरिटी का यूनिट क्या है मोल पर केजी। ठीक है, सर केजी पर मोल, हाँ मोल पर केजी क्या है सर मोल पर केजी। ठीक है, तो क्या होगा फिर किलो सर केल्विन मोल केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, नीचे यूनिट क्या लिखा था मैंने मोलैरिटी का मोल पर केजी, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका केजी, और ये मोल क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, केजी का यूनिट क्या हो गया आपका केल्विन केजी पर मोल। तो एक डेफिनेशन पूछते केबी का और क्या पूछेंगे यूनिट पूछेंगे केबी का। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर भी हमें जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में मोलर मास का रिलेशन हमने डिस्कस किया था, वैसे रिलेशन हमें यहाँ पर डिस्कस करना है मोलर मास रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास ऑफ सोल्यूट का क्या रिलेशन है। ठीक है, या फिर आपको अगर मोलर मास कैलकुलेट करना है किसका सोल्यूट का, मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से अगर आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है सोल्यूट का तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन याद रखना डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी जीरो, अगर डेल्टा टी बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस करेंगे आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद
क्या देखा मैंने, डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे किया, किया मैंने कांस्टेंट देके, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, अब इसके आगे ये इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। एम क्या है आपका, मोलैलिटी। अभी मैंने आपको डिटेल में बताया एम क्या है, मोलैलिटी। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन की। ठीक है, अब देखो मोलैलिटी के, मोलैलिटी को ये फॉर्मूले को मुझे अच्छे से, ये एम की जगह पे मुझे अच्छे से एम मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे अगेन कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए मुझे फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करूँगा, पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालूँ, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या करूँगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, किसी भी सब्सटेंस का अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो पर्टिकुलर सब्सटेंस का मास डिवाइडेड बाय वो पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलर मास। ठीक है, तो मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं, सोल्यूट के। और एक बात याद रखना, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि पूरे चैप्टर के लिए सोल्यूट के लिए मैं सिंबल यूज करूँगा टू और सॉल्वेंट के लिए मैं सिंबल यूज करूँगा वन। ठीक है, सॉल्वेंट के लिए नंबर वन, सोल्यूट के लिए नंबर टू। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मुझे किसके निकालने हैं, सोल्यूट के निकालने, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी आपका मास ऑफ सोल्यूट आएगा फॉर्मूला के अंदर। और मास ऑफ सोल्यूट, मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यू से, लेकिन सोल्यूट के लिए क्या यूज करना है टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका डब्ल्यू टू। ठीक है, और उसके बाद सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलर मास भी किसका लिखना पड़ेगा, सोल्यूट का। तो मोलर मास के लिए कैपिटल एम, लेकिन सोल्यूट के लिए टर्म क्या यूज करते हैं टू, तो ये क्या हो गया डब्ल्यू टू अपॉन एम टू। तो ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें, डब्ल्यू टू इंटू एम टू से करें। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को, सॉल्वेंट के मास को, मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से, लेकिन सॉल्वेंट के लिए क्या यूज करेंगे वन, तो ये क्या हो गया आपका डब्ल्यू वन। तो ये जो स्मॉल एम है, अभी आगे देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू क्या था आपका एम, एम की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये फॉर्मूले के हिसाब से, ये फॉर्मूले के हिसाब से पहले तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या है डब्ल्यू टू अपॉन एम टू, और नीचे क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम डब्ल्यू वन से। तो क्या बना आपका के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ये इक्वेशन बना। ठीक है, ये के बी को मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, तो क्या बनेगा आपका इक्वेशन, हाँ एक के बी को थोड़ा ऊपर लिखूंगा, इक्वेशन क्या बनेगा, ये इक्वेशन को मैं थोड़ा सा ऊपर रखा रहेगा, आपको बात समझ में आ गई। डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ठीक है, ये देखो ये फार्मूला है डेल्टा टी बी कैलकुलेट करने का, सिर्फ एम के लिए क्या है, मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो जो छोटी छोटी टर्म लगने वाली है वो टर्म्स हमने क्या यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। सिर्फ इसमें यहाँ पर आपको बुक में बहुत सारी जगह पर एक के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू क्या मिलेगा 1000 मिलेगा। ठीक है, ये आपको फार्मूला में मिलेगा 1000, ये 1000 क्यों लिखा है कि यहाँ पर जो मास है सोल्यूट का वो गिवन में रहता है ग्राम के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे क्या लिखा है किलोग्राम में, तो ये ग्राम में, नीचे वाली टर्म क्या है किलोग्राम में, तो एक तो दोनों को ग्राम में करो या फिर दोनों को किलोग्राम में करो,
तो कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हैं, अगर ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी वजह से फार्मूला आपका क्या बनेगा, के वी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन। तो ये आप क्या है, मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, पहले तो ये क्या है, डेल्टा टी वी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भैया एम टू को अगर आप बाहर लेते जाओ, बाहर निकालेंगे तो डेल्टा टी वी उधर चला जाएगा, नीचे वाले टर्म ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले टर्म नीचे चले जाएंगे, क्या बनेगा आपका, एम टू इज इक्वल टू ये एज इट इज के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000, ये आपका एज इट इज रहेगा, और नीचे एम टू की जगह पर क्या आ गया आपका, डेल्टा टी वी इंटू ये आ गया आपका डब्ल्यू टू। तो ये फार्मूले का यूज करके हम क्या है, मोलर मास रिस्पेक्टिव सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी ये डेरिवेशन देखने के बाद इसको ही यूज़ करेंगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। बुक में कई न्यूमेरिकल सिलेक्ट करेंगे, पेज नंबर 37 के ऊपर प्रॉब्लम नंबर 2.6 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल है, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ हम मेथड देख रहे हैं कौन से मेथड से सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूले का यूज़ करना है, वो चीज़ हम यहाँ पर इसमें सीखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.6, ठीक है। पहले तो मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ के बता देता, फिर हम गिवन डेटा लिखेंगे उसमें। न्यूमेरिकल क्या है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट बॉइल एट 84.27 डिग्री सेल्सियस, इवेल्युएट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ के बी ऑफ इथिल एसीटेट इज 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। एक एक लाइन पढ़ेंगे, पहले तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथिल एसीटेट, इथिल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है गिवन में, कितना है 77.06 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इथिल एसीटेट क्या है ये मुझे बता दें, आगे की लाइन पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथिल एसीटेट। देखो आप, एक सॉल्यूशन उन्होंने बनाया, 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, उसको 150 ग्राम इथिल एसीटेट में डिजॉल्व किया, और उसको वो दोनों मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट आया 84.27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इथिल एसीटेट आपका क्या है, सॉल्वेंट है, उसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब इथिल एसीटेट सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट पहले दिया हुआ है, और सॉल्वेंट के प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करता टीबी जीरो से, और टीबी जीरो कितना है 77.06 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरी चीज, दोनों मिक्स करके क्या आया बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन में, यानी कि आपको टीबी भी गिवन में, क्या है टीबी 84.27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद देखो, एक सॉल्यूशन बना है 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट का मास गिवन में, सॉल्यूट के लिए क्या यूज करते हैं हम W2, यानी कि W2 आपका गिवन में कितना है 50 ग्राम, और कितने ग्राम पानी के अंदर मिलाया, सॉरी इथिल एसीटेट में मिलाया, इथिल एसीटेट आपका सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट W1 भी गिवन में वो कितना है 150 ग्राम, W2 W1 भी गिवन में, ठीक है। उसके बाद आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, के बी भी आपका गिवन में, और क्या चीज़ है गिवन में, के बी कितना है, के बी 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर, ठीक है। ये देखो के बी के यूनिट के बारे में आप टेंशन मत लेना, यहाँ पर केल्विन किलोग्राम पर मोल है, यहाँ पर क्या लिखा है डिग्री किलोग्राम पर मोल, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है, यहाँ पर हम टेम्परेचर नहीं मेजर कर रहे, क्या मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस, तो डिफरेंस के केस में यूनिट का टेंशन मत लेना, आप डिग्री सेल्सियस में लिख देंगे तो भी करेक्ट है, इसको केल्विन में लिखेंगे तो भी क्या है आपका आंसर जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ठीक है।
सबसे पहले मैं फार्मूला लिखूंगा डेल्टा टीबी के लिए। मेरे पास फार्मूला क्या था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू केबी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। ये फार्मूला था डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने के लिए, वो हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन में देखा। अब इसमें से आपको अगर एम टू कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीबी नहीं, डेल्टा टीबी तो हम इजीली कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा टीबी कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास एक दूसरा फार्मूला भी, डेल्टा टीबी कैसे कैलकुलेट करेंगे, टीबी में से टीबी जीरो या टीबी नॉट माइनस करेंगे तो डेल्टा टीबी आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन इसमें पूछा क्या है, यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, क्या पूछा है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, मोलर मास ऑफ सोल्यूट एम टू कैलकुलेट करना है, यानी कि ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। इक्वेशन क्लियर ही होगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, एम टू इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन। ठीक है, फार्मूला आपके समझ में आ गया, बुक में है वो गिवन में, ये फार्मूलेज आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, सिर्फ मेथड चेंज होंगे धीरे धीरे धीरे, बाकी चीज़ें जो है वो आपकी सेम रहेंगी। चलो ये फार्मूले के अंदर हम क्या है, जो भी गिवन डेटा है वो फिट करेंगे। एम टू इज इक्वल टू के बी, क्या है के बी 2.77 डिग्री सेल्सियस इंटू क्या है डब्ल्यू टू, डब्ल्यू टू क्या है 50 ग्राम, तो यहाँ पर 50 ग्राम इंटू क्या है आपका 1000 डिवाइडेड बाय क्या है आपका डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी गिवन में है क्या, नहीं, सिर्फ टी बी और टी बी नॉट गिवन में, तो क्या करेंगे हम टी बी में से टी बी नॉट माइनस करेंगे तो आपको डेल्टा टी बी मिल जाएगा। तो मैं वो कैलकुलेशन इधर कर देता छोटा सा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी क्या है 84.27, इधर लिख देता हूँ डेल्टा टी बी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे टी बी में से टी बी नॉट माइनस करेंगे तो टी बी के लिए वैल्यू क्या है 84.27 माइनस क्या करना है आपको 77.06 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों करने के बाद आपका आंसर मिलेगा कुछ 7.21 आप 7.21 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर केल्विन बोलो, कंसेप्ट सेम। ठीक है, तो उसके बाद अब हाँ डेल्टा टी बी मिल गया है, डेल्टा टी बी यहाँ पर लिख देंगे 7.21 हाँ इंटू, अब क्या लिखना है आपको W1, W1 क्या है 150, यहाँ पर क्या लिखना है 150 ग्राम। ठीक है, इसका यूनिट जो है वो केल्विन केजी पर मोल, जो कि केजी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ग्राम टू ग्राम गेट कैंसल, तो टोटल ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा टोटल कैलकुलेशन करने के बाद 128 ग्राम पर मोल, ये क्या आएगा आपका एम। ठीक है, ये फॉर्मूले से हमने क्या है मोलर मास कैलकुलेट किया इसका सोल्यूट का सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेना था लेकिन इंक नहीं है मार्कर में, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है वो दूसरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।